हे हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट आपको अगर AWS के सारे बिल एक साथ देखना हो, है ना। आपके पास अगर मान लो AWS के काफ़ी सारे अकाउंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों में से काफ़ी लोगों के अकाउंट, काफ़ी सारे लोगों के पास मल्टीपल AWS अकाउंट नहीं होते, तो हम ये नहीं देख पाते कि हमें जितने बिल्स आ रहे हैं ये एक साथ। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड बिलिंग होती है, जहाँ पे काफ़ी सारे AWS अकाउंट होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बना दिया जाता है, जिसके बाद सारे बिल एक ही प्लेस पे देखे जाते हैं और पॉलिसीज भी एक साथ ही लगा दी जाती हैं। तो इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि आप मल्टीपल अकाउंट्स के बिल एक साथ कैसे देख पाते हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखते तो वो चीज़ का आइडिया लगता नहीं है। तो बेसिकली ये अप्रोच है कि आपको एक साथ पता लग जाए कि कैसे बिल देखते हैं। तो देखो, ये जो मेरा अकाउंट है, ये मेरा एक सेंट्रलाइज अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक AWS ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हुआ है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया हुआ है, कुछ अकाउंट हैं वो जो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या अकाउंट ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी टोटल मिला के कितने, चार अकाउंट हो गए। यहाँ पे तीन अकाउंट हैं, ये आपके पास डेव मतलब ये OU है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप सेटअप करते हो तो इसमें मल्टीपल अकाउंट को आप इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके थ्रू ओन्ड हो। तो अगर वो आपके अकाउंट है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना दी, ताकि आपको अलग अलग दिख जाए कि भाई कितने अकाउंट आपके पास टोटल हैं, ठीक है। और एक डेवलपमेंट अकाउंट में मतलब एक डेव OU बना दिया, जिसके अंदर मैंने कुछ अकाउंट रख दिए, है ना। तो ये मेरा अकाउंट है, ये डेव के अंदर हो गया, राइट। ये सैंडबॉक्स है, तो यहाँ पर मैंने अपना सैंडबॉक्स वाला अकाउंट रख दिया, ठीक है। और क्या होता है, एक सिक्योरिटी का है, उसके अंदर ऑडिट और लॉग आर्काइव का अकाउंट रख दिया, ठीक है। कि मैंने कंट्रोल टावर सेटअप किया था, तो वहाँ पे एक्चुअली मिनिमम इतने अकाउंट चाहिए होते हैं, तो ये सेटअप कर दिया, ठीक है। डैब जरूरी नहीं होता, सैंडबॉक्स जरूरी होता है। तो ये टोटल मिला के चार अकाउंट हो गए आपके पास, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी अकाउंट हो गया। अब इस पर मैं कोई भी रिसोर्स ही नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको बिलिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो बिलिंग के लिए कैसे यूज़ करोगे, तो अब आप जब बिलिंग देखते हो ना यहाँ पर, तो ये फ़ायदा होता है, बिलिंग करोगे तो ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लो, और जब आप कंसोलिडेटेड बिलिंग देखते हो, ठीक है, तो ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है जो कंपनियाँ यूज़ करती हैं। और अभी देखो आपके पास करंट मंथ का टोटल फॉरकास्ट आ गया, मेरे पास टोटल कितना है, ठीक है। अकाउंट कितने एक्टिव, फोर अकाउंट है जो मैंने आपको दिखाया, मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव रीजन कितने हैं, ये भी आपको दिखा दिया, ठीक है। और इसके बाद आप ने देखा कि किस सर्विस का सबसे ज़्यादा पे हो रहा है, तो मेरे पास अभी की मैनेजमेंट सर्विस का सबसे ज़्यादा पे हुआ। मेरा एक वो बना हुआ था, की बनी हुई थी जिसका मुझे पे करना पड़ रहा था। सो टोटल कॉस्ट भी दिखा दिए, चारों अकाउंट के टोटल कॉस्ट दिखा दी कि भाई ये सर्विस के थ्रू अकाउंट ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट बाय सर्विस भी दिखा दी कि ये हो गया, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और क्या है, ये मई का बिल है, ठीक है। आपके जो टॉप फाइव अकाउंट है उनका डिटेल दिखा दिया, और अकाउंट की कॉस्ट दिखा दी कि भाई किसका कितना बिल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस मई मंथ का बिल है, ये डैशबोर्ड आ गया। इसी में अगर आप आगे जाते हो तो ये बिल्स है, तो बिल में देखो तो अभी क्या है, जून का बिल है, ठीक है। अब जून में देखो बिल, एक तो ये मेरे अकाउंट की डिटेल दिखा रहा है कि मैं कितना सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ये सर्विस यूज़ हो रहा है, तो ये दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मैं 66 की मेरी की मैनेजमेंट सर्विस पे लगा है, तो वो ठीक है, ये मेरे पास बिल आ गया। ये ऑरेगन में एक की थी इनेबल, वो मैंने अभी डिलीट कर दिया है, तो ये आ गया। बाकी आपके पास अगर आपको कंसोलिडेटेड बिलिंग देखनी है, तो देखो ऐसे दिखती है बिलिंग अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चारों अकाउंट की डिटेल दिख रही है कि भाई ऑडिट का कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। अब मुझे एक ही जगह पे बार बार अकाउंट पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही प्लेस पे देख सकता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि किस किस सर्विस की क्या क्या बिलिंग है ना। तो देखो ये इस अकाउंट की आ गया, और यहाँ पे बिल डिटेल बाई अकाउंट आ गया। अब मैं बाकी में ये भी देख सकता हूँ कि कौन कौन सी सर्विस यूज़ हो रही है, ठीक है। तो है ना मजे की चीज़,
एक ही प्लेस पे आप देख पा रहे हो कि क्या क्या सर्विस यूज हो रही है और किस किस सर्विस का मुझे पे करना पड़ सकता है या किस किस सर्विस का, सारे अकाउंट। अब सोचो आप किसी बड़ी कंपनी में हो तो क्या होता है, यही तो होता है कि आपको मल्टीपल अकाउंट मैनेज करने पड़ते हैं, तो वो आप एक ही प्लेस से कर सकते हो। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइजेशन का क्या यूज है और ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके आप किस तरीके से हाँ अपनी बिलिंग को और अपनी सर्विसेज को और अपने अकाउंट्स पर कंट्रोल रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको AWS ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे AWS ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे आस्क करो इन योर Q&A और कमेंट सेक्शन। एंड ऑर्डर एंड इनवॉइस और बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो वो भी आप सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हो। तो देखो मेरी दो पेमेंट यहाँ पे ओवर ड्यू हो गई है, तो वो भी मुझको दिखा रहा है कि क्या क्या है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके पास कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।